हे hey भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप लोगों को भी पता है, रियलमी ने इंडिया पर रियलमी सी सीरीज का पहला 5G स्मार्टफोन रियलमी C67 5G को लॉन्च कर दिया है। हो सकता है ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर बहुत सारे प्रोस और कॉन्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बारे में वीडियो के आगे चलते हम बात भी करेंगे। तो भाई लोग, ये स्मार्टफोन आज ही मेरे पास डिलीवरी हुआ है और डिलीवरी हो ही गया है, तो चलो आज इस वीडियो के अंदर रियलमी C67 5G स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ कंप्लीट फ्री फायर गेमिंग रिव्यू को देखते हैं। सो सबसे पहले इस स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रियलमी C67 5G स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.72 इंच फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज LCD डिस्प्ले। गेमिंग के लिए प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमंडसिटी 6100 प्लस। ये एक 6 नैनोमीटर 5G चिपसेट है। बैटरी है 5000 mAh प्लस 33 वाट। इन बॉक्स चार्जर। रियर कैमरा है 50 MP प्लस 2 MP। सेल्फी कैमरा है 8 MP। दो ही रैम और स्टोरेज वेरियंट है। बेस वेरियंट 4 128 GB का प्राइस है 14,000 रुपीज़। 6 128 GB का प्राइस है 15,000 रुपीज़। लेकिन आफ्टर बैंक ऑफर दोनों ही वेरियंट के ऊपर आप लोगों को 1,000 रुपीज का कैशबैक देखने के लिए मिल जाएगा। तो हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बाद अभी चलो इस स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग को देख लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले एक छोटा सा बॉक्स है, जिसके अंदर एक सॉफ्ट सिलिकॉन का TPU केस, कुछ यूजर मैनुअल्स पेपर मतलब रियलमी की तरफ से लव लेटर और एक सिम इजेक्टर पिन है। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर है हमारा डिवाइस रियलमी C67 5G। देखने में तो भाई बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल रियलमी 11X और नार्जो 60X 5G के जैसा ही है। नेक्स्ट का इस बॉक्स के अंदर है एक 33 वॉट का फास्ट एडाप्टर और एक Type-A to Type-C चार्जिंग केबल। तो गाइस, क्विक अनबॉक्सिंग के बाद अभी चलो फोन को फटाफट सेटअप करके सीधा गेम की तरफ चलते हैं। गेम के अंदर आने के बाद गाइस, सबसे पहले ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद सेंसिटिविटी देख सकते हो, जनरल 100, रेड डॉट 87 है। और ग्राफिक्स की बात करें तो मैं पहले से ही मैक्स के ऊपर सेट करके रखा, उसके साथ हाई FPS, कलर फिल्टर, शैडो, सब कुछ मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सेट है। तो चलो अभी मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले कुछ क्लैश स्क्वाड और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखते, उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ क्लियर करके आप लोगों को बोलता हूँ। First blood. Oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, we go, 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 what a feeling, grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're doing. Double kill. This is what we know. Here we come back to life, still breathing. Everybody's gonna see it. Oh, first blood. तो गाइस, आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर CS मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया, अभी चलो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ही सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले को देखते हैं। Everything's cold and the fighting's in it.
deep in their bones. They're riding to smoke when the fire is fierce. Double kill. Triple kill. राइट गाइस, आप लोगों ने तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख ही लिया। तो अभी चलो इस स्मार्टफोन के अंदर परफॉर्मेंस को लेकर प्रोज क्या है कॉन्स क्या है सभी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर सीएस मैच की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर गेमिंग के लिए जो प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमोंडसिटी 6100 प्लस या अंडर 14000 के हिसाब से काफी पावरफुल चिपसेट में से एक है, क्योंकि इस चिपसेट का फैब्रिकेशन प्रोसेस है सिर्फ 6 नैनोमीटर। और दूसरा है गाइस, इसके जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है अब लोगों को 4,20,000 के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्राइस की हिसाब से फोन का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। क्लैश स्क्वाड मैच को अब लोग मैक्स ग्राफिक्स के साथ खेल सकते हो, ज्यादा कुछ लैगिंग या फ्रेम ड्रॉप्स प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट एक चीज ध्यान में रखना, अंडर 14,000 का स्मार्टफोन है और ये अभी नया है, इसलिए मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बट लॉन्ग टर्म यूज के लिए मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा क्लैश स्क्वाड मैच को अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर खेलना, आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो सीएस मैच के बाद अभी फुल मैप रैंक मैच की बात करें तो फुल मैप रैंक मैच के अंदर भी मेरे को ज्यादा कुछ इशू देखने के लिए नहीं मिला है। कभी कभी हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप्स हो रहा था, लेकिन लैग जैसे कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर भी मैं आप लोगों को सेम चीज सजेस्ट करूंगा कि यह स्मार्टफोन अभी नया है, इसलिए लॉन्ग टर्म यूज के लिए फुल मैप रैंक मैच को स्टैंडर्ड या मैक्सिमम अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर खेल सकते हो। गेमिंग परफॉर्मेंस के बाद अभी सेंसिटिविटी की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला एक पैनल आप लोगों को मिल जाएगा। तो सेंसिटिविटी के बारे में कुछ इशू तो मेरे को देखने के लिए नहीं मिला है। सेंसिटिविटी प्राइस की वजह से तो मेरे को काफी बढ़िया लगा है। नेक्स्ट गाइस, बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर 5000 एमएच का एक मैसिव बैटरी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा और 6 नैनोमीटर प्रोसेसर होने की वजह से बैटरी परफॉर्मेंस डिसेंट मिल जाएगा। बहुत बढ़िया तो नहीं कर सकता है, लेकिन डिसेंट बैटरी परफॉर्मेंस निकल कर देता है ये स्मार्टफोन। उसके साथ बॉक्स के अंदर 33 वॉट का फास्ट एडाप्टर भी है। तो ये स्मार्टफोन 0 to 100% 1 hour 10 minutes के अंदर फुल चार्ज भी हो जाता है। नेक्स्ट गाइस, कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर रियर साइड के ऊपर 50MP का मेन सेंसर है और 8MP का एक सेल्फी सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा। तो प्राइस रेंज के हिसाब से कैमरा परफॉर्मेंस मेरे को डिसेंट लगा है, कुछ खास तो नहीं है। बट यहाँ पर जो सेल्फी सेंसर है 8MP का, वो गाइस कम से कम 13MP तो देना ही चाहिए था। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर 3.5mm ऑडियो जैक सिंगल स्पीकर, बट गेमिंग और 14 to 15,000 प्राइस रेंज के हिसाब से डुअल स्टीरियो स्पीकर तो होना ही चाहिए था। उसके साथ एंड्रॉइड 13 USB 2.0 ब्लूटूथ वर्जन 5.2 जैसे बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस, ये था Realme 667 5G स्मार्टफोन का ओवरऑल स्पेसिफिकेशन और कुछ फ्री फायर गेम प्ले। अभी आते हैं कॉन्क्लूजन पर कि 14,000 के हिसाब से गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन आप लोगों को परचेस करना चाहिए या नहीं। तो गाइस देखो, सेम लुक सेम डिजाइन सेम स्पेसिफिकेशन के साथ मार्केट में Realme का ही दो स्मार्टफोन Realme 11X और Realme Narzo 60X भी अवेलेबल है। और Narzo 60X 5G स्मार्टफोन का अभी Amazon के ऊपर प्राइस है 6GB RAM 128GB का
12,500 रुपीस। बट रियलमी C67 का प्राइस है 6GB रैम 128GB का 15,000 रुपीस। तो भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है रियलमी वालों ने यहाँ पर करना क्या चाहता है, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हो। अगर रियलमी का ही स्मार्टफोन लेना है तो रियलमी नार्सो 60X के साथ भी जा सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो पर तो इतना ही। अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।